हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों और बड़ों सभी के फेवरेट कपकेक्स। इसके लिए हमने चॉकलेट बिस्किट लिए हैं। आप ओरियो, बॉर्न, कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। बिस्किट को लेकर आपने उसको मिक्सी में पीसना है। ये चॉकलेट कपकेक बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, दूध और बिस्किट। दूध हमें रूम टेम्परेचर पे लेना है, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। पहले हम आधा कप दूध ही डाल के बिस्किट को पीसेंगे। आप इसमें कोई भी चॉकलेट बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और बिस्किट मिक्स करने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इतनी होनी चाहिए जैसा हमारा पकौड़ों का घोल होता है। फ्रेंड्स, मैंने एक कप दूध लिया था जिसमें से आधा कप दूध ही मैंने यूज़ किया है 10 बिस्किट को पीसने के लिए। एक केक मोल्ड्स को मैंने ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करके हम इसमें जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसको भरेंगे, लेकिन हम इसको सिर्फ आधा आधा ही फिल करेंगे। ये कपकेक्स पूरी तरह हेल्दी हैं क्योंकि हमने इसमें कोई भी सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। केवल हम इन्हें दूध और बिस्किट से ही बना रहे हैं और ये केवल 2 मिनट में बन जाते हैं। हमें इनको 2 मिनट माइक्रोवेव करना होता है। यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इनको कढ़ाई में नमक गरम करके उसमें भी स्टैंड रख कर 20 मिनट के लिए रख सकते हैं या फिर OTG में 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। हम इनको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में सेट करेंगे। हमारे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने केक चेक कर लेते हैं। हम इनको टूथपिक की हेल्प से चेक करेंगे। हमारे केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए हैं क्योंकि ये टूथपिक को बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहे हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल के गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स, हम इनको डिफरेंट चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि शुगर बॉल्स, चोको चिप्स, वाइट चोको चिप्स या चॉकलेट चोको चिप्स या टूटी फ्रूटी, और ठंडा होने पर ये बड़ी आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आते हैं और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।